गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग हेल्थ फर्स्ट फार्मेसी 8948 में। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, सॉरी फार कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर। दोस्तों, चूँकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो वहाँ हमें लगता है आई थिंक जो टाइफाइड फीवर होता है। दोस्तों, मैं चूँकि मेरा ये जो चैनल है वो मेडिसिन या आर हेल्थ संबंधी चैनल है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइफाइड फीवर के बारे में आपको सिम्टम वगैरह जानकारी भी देना चाहूँगा। मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, तो दोस्तों मुझे जो था टाइफाइड फीवर हो गया था, मैं बाहर गया था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, टाइफाइड फीवर जो है वो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है सलमोनिया टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों ये जो है, आप अगर आप साफ क्लीन वाटर यूज नहीं करेंगे या साफ सफाई वाला भोजन यूज नहीं करेंगे, तो ये बाई हैंड मतलब आपके एक ये बैक्टीरिया हाथों द्वारा भोजन या भोजन के आप डर्टी वाटर द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इससे ये बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड फीवर होता है। दोस्तों सिम्टम्स की बात करूँ टाइफाइड फीवर में, दोस्तों आपको फीवर हाई लो होगा, फीवर आपको होगा, उसके बाद डाउन होगा, फीवर हाई होगा, डाउन होगा, और आपको मास्कुलर पेन होगा, बोन्स में पेन होगा, और आँखों में दर्द रहेगा, सर में भारीपन रहेगा, आप कैन भी आपको लूज मोशन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं टाइफाइड फीवर को जो मुझे हुआ था। और मैं 14 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर को दिखाया था, जो कि MD हैं, MBBS MD हैं फिजिशियन। तो उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक सजेस्ट किया था, लाइक पहले मैं एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहा था 500 mg। बाद में मुझे डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया गया था GFO आता है, आप लोग जानते होंगे, सिफाक्सिन उफ्लॉक्सासिन, FDC कंपनी की पेटेंट दवा है दोस्तों। तो उस समय मैं प्रिकॉशन डोज भी लिया था, तो डॉक्टर ने हमें कुछ एंटीबायोटिक भी लिखा था। उसके बाद में डॉक्टर ने हमें ब्लड CBC ब्लड जांच के लिए और यूरिक एसिड के लिए कहा था। तो उसके बाद मेरी जो रिपोर्ट आई थी उसमें मुझे जो मेरी मलेरिया टाइफाइड निगेटिव था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंटीबायोटिक डोज ले रहा था, और मेरी प्लेटलेट कम हो गए थे, आई थिंक 72,000 था, जो कि नॉर्मली 1,50,000 से 4,50,000 होने चाहिए। तो इससे मुझे वीकनेस महसूस हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे इसके ट्रीटमेंट के लिए भी बताया, मैं वो डोज ले रहा हूँ। तो दोस्तों नाउ आई एम टेकिंग अबाउट पेंटाप्राजोल टेबलेट IP इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों पेंटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो मेरे पास टेबलेट है वो पेंटाप्राजोल टेबलेट है, जो कि पेंटोफिट 40 ब्रांड नेम से आता है दोस्तों। और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसकी जो MRP है दोस्तों 84.70 पर 10 स्ट्रिप का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसे मर्क लेबोरेटरीज कंपनी की दवा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं इस टेबलेट के यूजेज के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह की स्ट्रिप आती है दोस्तों, ये इसका आप लुक है, आप देख सकते हैं 1 स्ट्रिप में 10 टेबलेट है आला फ्रिक्वेंसी। मैम दोस्तों नाउ इट इज ए बैक लुक, आप देख सकते हैं पेंटाप्राजोल टेबलेट IP पेंटोफिट 40। दोस्तों ब्रांड नेम की बात करें, तो जो इस समय आप टेबलेट देख रहे हैं पेंटाप्राजोल टेबलेट, वो पेंटोफिट 40 ब्रांड नेम से आता है दोस्तों। कंटेंट की बात करें तो इसमें पेंटाप्राजोल सोडियम इक्वलेंट टू पेंटाप्राजोल 40 mg होता है दोस्तों। दोस्तों अदर ब्रांड की बात करें तो आप इसमें पेंटॉप आता है, पेंटॉप 40 अरिस्टो कंपनी का, जो कि एक पेटेंट कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और पेंटागॉन आता है दोस्तों एबॉट इंडिया लिमिटेड की दवा है दोस्तों। अदर ब्रांड की बात करें तो पेंटोशिप आता है, जो कि सिप्ला कंपनी की दवा है दोस्तों। डोज की बात करें तो दोस्तों यह मेडिसिन टेबलेट के रूप में आती है, और खाने से पहले 1 टेबलेट आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरी है तो 2 टेबलेट भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दोस्तों। यूजेज और बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों यह डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है, जिसका उपयोग दोस्तों एसिडिटी, गर्ड, पेट में अल्सर के लिए मुख्य रूप से इस टेबलेट का यूज किया जाता है दोस्तों। यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर
मीन्स प्रोटॉन पंप अवरोधक PPI पेट में स्वाभाविक रूप से होने वाली एसिडिटी की मात्रा को कम करता है। दोस्तों मुख्य लाभ की बात करें तो यह जो पेंटाप्राजोल टेबलेट है, ये एसिडिटी, गर्ड, पेट में अल्सर, सीने में जलन आदि बीमारियों के लिए मुख्य रूप से यूज किया जाता है। दोस्तों अदर लाभ की बात करें तो जठरांत में रक्तस्राव, प्रेगनेंसी में दर्द या पेट दर्द, एसिडिटी, गले में खराश आदि, पेट के रोग आदि में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करें तो मेडिकल साइंस मानती है RCSS के आधार पर पेंटाप्राजोल टेबलेट के निम्न साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जिसमें आपको अनिद्रा, अपच, मतलिया उल्टी, कब्ज, सिर दर्द, पेट में दर्द आदि की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर कृपया अपने फैमिली डॉक्टर अथवा मेडिकल प्रैक्टिशनर अथवा फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। दोस्तों जो मेरा वीडियो है केवल मेडिसिन के नॉलेज के लिए है। कोई भी दवा परचेज या सेल्फ ट्रीटमेंट करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। आशा करता हूँ पेंटाप्राजोल टेबलेट 40 mg के बारे में मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों।